सोता भवन में रावण रावण होरी और सपने पे सब झूठे राई तू जिंदगी ने कोरी की लोक और सोता भवन में ओ रावण चौकड़ी तो राज राज करया। एक चौकड़ी 400 साल की है तो 28,000 वर्ष से ज्यादा तो राज राज कर गया। और के काबू में था अच्छा जावेगा क्या बताया दादा ने। बहतर गई चोकड़ी मन राज तरिया से डट के मेरे हुक्म की करे पालना जाता ना कोई अटक बेमता वही पीस पीसना पवन कोहारी सटक इंद्र छड़का करण लागरिया काल कुएं में लटके इंद्र छड़का करण लागरिया काल कुएं में लटके अरे नजर घुमा के देख बावली हे रे 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 और नजर घुमा के देख बावली तो किस गफलत मारो में ओ
आज मैं पतिव्रता और तू सपना मेरा झूठा नहीं हो सकता। नवला मंदोदरी सुने, एक घटना हुई है। राजा जनक ने जब स्वयं पर रचा अपनी बेटी सीता का, उसमें शिवजी का धनुष तोड़ना था। बिलाउड़े सब राजा बुलवा रखे थे, मैं भी गया था। दो बालक भी आ रहे थे, राम लक्ष्मण। मन ने बड़े बड़े अड़का दिए, उनका सौदा की था मेरे आगे। पर महारानी एक अचंभे की घटना हुई। क्या? जब मनाज्ञ ने पैर धर कर जब धनुष का हाथ लाया, हाथ लाते पित्तल पट्टे, तीन लोग थर थर कांपन लागे। मैंने सोची कोई महाप्रलय होगी, बहुत बड़ा अनर्थ होगा, मैं उल्टा हो गया। एक लेख में कहा भी है, जब राजा उग्रसेन कंस को बुला के ये कहते हैं कि भाई देव की खतर को छोरा देख, वहां दादा का एक लेख है, कली है। उग्रसेन ने देव की खतर वरटो होने की सोची और कंस बैठा लिया अपनी जड़ में, घरटो होने की सोची। जनक भूप ने रचा स्वयंवर सीता के ब्याहन ने, उड़े देश देश के राजा जुड़ के धनुष बाण ठाउन ने, किसे का भी डेट पड़ा ना उसे हाथ लाउन ने। जब कदम बढ़ा के हाथ लगाया, फिर सोची रहा उनने, बिजली पट्टी जब अंतर ध्यान होया, अगो हो ऋषि वाल्मीकि ने तो और किमले लिख रखा है रामायण में, यो धनुष और किसी ने तोड़ना है, अर्थ ने तोड़ दिया था, जुलम हो जाएगा। वाल्मीकि के लेख देखकर टोण की सोची, कंस उठा लिया अपनी जड़ में, घर टोण की सोची, मैं उल्टा हट गया, नहीं तो मुझे शिवजी का वरदान था मौत का, रावण को कोई मार नहीं सके था। क्या कहा, जनक भूप ने रचा स्वयंवरे, जनक भूप ने रचा स्वयंवरे, सब राजा बुलवाए, मैं भी वहां पे पहुंच गया, उड़े राम लखन तो पाए, उन बड़का की के गिनती मन बड़े बड़े हड़काए, जब लाया मन हाथ धनुष के, तीन लोग थर्राए, जब लाया मन हाथ धनुष के, तीन लोग थर्राए, मन वरदान मिला शिवजी से, मन धनुष मेरे से नहीं टूटा,
और श्री राम ने तोड़ दिया वह माला उसका गल की, मेरी इज्जत मट्टी में मिल गई। लेकिन स्वयंवर मैंने सीता को पहली बार देखा था, इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री देखी थी। डगमग आ गया मैं और मैंने वही प्रण कर लिया था कि जिंदा रहा तो एक दिन सीता को लंका जरूर दिखाऊंगा, इसलिए सीता को उठा के लाया था। ये चूक तो जरूर हुई थी, लेकिन कोई रावण फद्दू फड़ाका नहीं था लोगों। नल और नील को शराप था ऋषि का, दो बानर थे के उनकी फेंकी हुई कोई भी चीज पानी में डूबे थी। उन्होंने लंका का 620 मील लंबा पुल बनाया जिसको लोग राम सेतु कहते हैं। उसके हवन खातर वहां कोई आसपास ब्राह्मण नहीं था। आज तो नेता नीम रख देते, गाड़ा मेट्रो बनेगी, आड़ा अस्पताल बनेगा, रिबन काट दे। उस समय ऐसा नहीं था, कोई काम संपन्न हो जाए जब हवन करा करते। हमारे भी 50 साल पहले तक यही रिवाज थी, जब लोग घर की छात दे लिया करते, जब नुकारते भाई घर बन गया भी शेरनी बांट दो, कोई शक्कर बांट देता, कोई पताशे बांट देता। हवन के लिए कोई ब्राह्मण नहीं था, रावण को बुलाया गया और लोगों रावण सीता को गैल ले गया था, इसलिए लाया था कि ज्ञानी ध्यानी पंडित था। वीर मरद दोनों जिंदा है, यदि एक हवन पे नहीं है तो संपन्न नहीं माना जाएगा। फद्दू फड़ाका हो तो पूरी फौज कर दोनों भाइयों का बेचारा हवन कर गया, छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो भी मर्यादित थे, दोनों भाइयों ने जकर भी नहीं कराया। और दूसरी बात, रावण की महानता दर्शाती है दलपत सिंह की रागनी। रामायण का लेख इधर कदर आए दलपत सिंह आया, उसकी एक रागनी है लीलो चमन के कश्यप। वीर मर्द के पट्टे जोड़े करके देर मिले थे, लात्र यादवादू लीलो जो हटके फेर मिले थे। उसमें एक लाइन है वो न्यू का, अगर तब भाई लोग बता दो सीताराम तक कितने दिन न्यारी रही थी ना, मैं बताऊं। फिर वो बता करता, 14 महीने 10 दिन पाछे फूल बखेर मिले थे, लात्र यादवादू लीलो जो हटके फेर मिले थे। इसका मतलब ये है 14 महीने 10 दिन सीता रावण के पास रही और श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली, लोगों 100 की 100 सती पाई वो पतिव्रता। से रावण की बुद्धि नीति खराब होती तो 14 महीने मतलब 5-4 महीने का बालक हो गए। इसका मतलब वृत्ति खराब नहीं थी रावण की। क्या कहा दादा ने, अरे जब ते देखा रूप सिया का, जब ते देखा रूप सिया का, कोई ना खून गात बड़ी सभा में चक्कर लागी, लेके थाले हाथ में शिव का धनुष नहीं टूटा, नो पड़ी क्या फर्क बात में, राम के माला
साल की मेरी इज्जत मिली खात्म है राम का मारा कल की मेरी इज्जत मिली खात्म है अर कह लक्ष्मी चंद बड़ा बड़ा धन्यवाद।